छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व है और यहां हो रहे अच्छे कामों की पूरे देश में चर्चा है। सरकार ट्राइबल स्टेट और ट्राइबल लोगों को महत्व दे रही है। विवेक तन्खा ने भूपेश बघेल को निडर नेता बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय उन पर झूठा केस लगाया गया था, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा और पार्टी को 2/3 बहुमत से जीत दिलाई। एक ट्राइबल स्टेट है और ट्राइबल लोगों को आप महत्व दे रहे हैं और उनकी उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भूपेश जी से सालों से जुड़ा हूं, मैंने इनको देखा, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, निडर भी है। मेरे को आज भी याद है जब उनपे वो झूठा केस लगाया जा रहा था तो सब लोग उनको मना कर रहे थे कि आप बेल लगाइए। उनने कहा मैं बेल नहीं लगाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। हमने कहा और जेल में भी बेल लगाने को तैयार नहीं थे। फिर जब हम लोग ने मैंने समझाया और मैंने कहा आप चुनाव सर पे आ गए हैं, आपको बाहर निकल के चुनाव भी लड़ना है, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगाई जो तुरंत स्वीकार हुई और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और आज 2/3 बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीती है।